हेलो बच्चों, लेट सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से डिफ्रेंशिएट बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन विद एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इनके बारे में आपको डिफरेंस बताने हैं दोनों में क्या अंतर होते हैं और एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर देने हैं तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है तो देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन आपको जब भी डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन मिले तो कोशिश करेगा ऐसे आप कॉलम बना के करें क्योंकि आपका आंसर काफी अट्रैक्टिव लगता है स्टार्ट करते हैं कमिंग टुगेदर गैदर फेडरलिज्म की बात करें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म वेयर डिफरेंट स्टेट कम together टू फॉर्म अ नेशन इसमें क्या होता है कि अलग अलग राज्य आते हैं और मिलकर क्या करते हैं एक देश का निर्माण करते हैं अलग अलग स्टेट्स आते हैं वो अपने आप में एक individual बॉडी होते हैं लेकिन क्योंकि वो अपना एक बड़ा सा फेड्रेशन बना लेते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा प्रॉफ़िट हो सके हर जगह में वो लाभ उठा सकें इसके लिए वो एक नेशन फॉर्म करते हैं अलग अलग स्टेट मिलकर तो इसको बोलते हैं कमिंग टूगेदर फेडरेशन साथ में आके मिल बनाते हैं अगर हम होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन की बात करें तो इन दिस फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म अ कंट्री डिवाइडेड decided to divide its power between the constituent states and the national government. और holding together में क्या होता है कि इसमें एक देश अपने आप पहले तो एक country होता है उस country में अलग अलग level पर government बनाई जाती है मतलब पहले तो state बनाते हैं and then power को distribute किया जाता है national government और state government के बीच में तो यहाँ पर क्या था यहाँ पर तो अलग अलग state खुद आके एक राष्ट्र बने थे यहाँ पर एक राष्ट्र ने खुद state बनाए थे अपने अंदर से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया था नेक्स्ट है ईच स्टेट हैज़ इंडिविजुअल पावर एंड देयर इज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम द सेंटर अब देखो अगर हम कमिंग टुगेदर की बात करें तो क्या होता है अलग अलग स्टेट आते हैं और मिलकर क्या करते हैं अपना एक बड़ा सा देश बना लेते हैं हालांकि ये अपने आप में एक इंडिविजुअल बॉडी होते हैं अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं बस एक नेशन बन जाते हैं मिलकर ताकि एक कॉपरेशन हो सके इनके बीच में लेकिन होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है इन द सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ मोर पावर एंड ओवर द स्टेट गवर्नमेंट यहां पर आएगा ओवर इसमें क्या होता है होल्डिंग टुगेदर में तो क्योंकि नेशन स्टेट था एक नेशन ने अपने अंदर से अलग अलग स्टेट डिवाइड किए वो किसी भी बेस पे डिवाइड हो सकते हैं अब जो स्टेट डिवाइड किए उनको कुछ पावर बांटी गई है लेकिन फिर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो नेशनल गवर्नमेंट है वो ज्यादा पावरफुल होती है अब अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया जो है वो किसका एग्जाम्पल है इंडिया एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर का तो आप एग्जाम्पल में लिखेंगे इंडिया का नाम और अगर हम बात करें कमिंग टुगेदर की तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नाम जी पता लग रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अलग अलग स्टेट यूनाइटेड होकर अमेरिका का निर्माण करती हैं तो यू एस ए कमिंग टूगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है और इंडिया होल्डिंग टूगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल बेस्ट टॉक लग